तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ब्रिक मेसनरी कंप्लीट कर चुके थे और मैंने आपको बोला था कि देखो बीएमसी में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें स्पेशली ध्यान रखने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं स्टोन की तो स्टोन हर कोई पढ़ता है, स्टोन से क्वेश्चन आते भी हैं। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स भी हर कोई पढ़ता है, ब्रिक्स से क्वेश्चन आते भी हैं। अगर हम बात करें सीमेंट की, कॉन्क्रीट की, क्वेश्चन आते हैं, टिम्बर की क्वेश्चन आते हैं। नो डाउट पढ़ना है, बट ओनली उनको ही नहीं पढ़ना है ना, सब पढ़ना है। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिए आपके टिम्बर, सीमेंट, कॉन्क्रीट, ब्रिक, सब पढ़ना है आपको। बट इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा अटका सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर मैं मानता हूं कि बीएमसी से, चलो बीएमसी से एक जमाने में 20-20 क्वेश्चन भी आए और 12-13 क्वेश्चन तो जनरली लेके चलता ही है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चंस को अटका सकते हैं, वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पेंट्स, ब्रिक मेसनरी एंड स्टोन मेसनरी, ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी। यहां से देखना, देखो मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूं, फर्स्ट जैसे मैंने आपको एक चीज बताई है कि किस तरीके से हमें एक एक क्वेश्चन कवर करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ लिया बीएमसी में, ब्रिक्स पढ़ लिया, स्टोन पढ़ लिया, चलो हमने बीएमसी कंप्लीट कर लिया। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बीएमसी के अंदर जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना, हम लोग टोटली इसको इग्नोर कर देते हैं। कौन सा टॉपिक है? पेंट्स है, ब्रिक्स एंड स्टोन मेसनरी है, ठीक है, ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी है, और कौन सा है आपका? टाइल्स है, ठीक है, और कौन सा है? लाइम है, मोर्टार है, और कौन सा टॉपिक है? अगर मैं थोड़ा सा और लूं तो थोड़ा वो टॉपिक जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं बट मेरे अकॉर्डिंग उनको पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे भी एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, ग्लास, प्लास्टिक्स एंड थोड़ा बहुत सिरेमिक्स। इसमें आप लास्ट वाला टॉपिक फिर भी थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो, वैसे तो मैं तो पढ़ाऊंगा, ठीक है, ग्लास, प्लास्टिक एंड सिरेमिक्स। तो दैट मीन्स अगर मैं आपसे बीएमसी के बारे में बात करूं तो हम लोग क्या कर लेते हैं भैया, ब्रिक पढ़ लिया, ठीक है, स्टोन पढ़ लिया। देखो ध्यान से देखना यार, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैं आपको 100 टेक्निकल क्वेश्चन में से 90 से ऊपर क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा तो वो किस तरीके से कवर होते हैं पहले तो वो समझ लो, ठीक है। ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, ठीक है, आपका सीमेंट हो गया, कॉन्क्रीट हो गया, टिम्बर हो गया, टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट्स। तो जनरली हमारी सोच ना यहां तक अटक जाती है बीएमसी में, हमें लगता है हमें ये पढ़ना है, बस हमें बस लगता है हमें ये पढ़ना है, नहीं जी हमें इसके साथ ये भी पढ़ना है, तब जाके आप बोलोगे हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है। और एक्चुअली आप ये लोग छोड़ते हो, पेंस छोड़ते हो, ब्रिक एंड स्टोन में से छोड़ देते हो, टाइल्स छोड़ देते हो, लाइम छोड़ देते हो, मोर्टार छोड़ देते हो, ग्लास, प्लास्टिक, चलो सिरेमिक्स में भी मत पढ़ो, एक बार छोड़ो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ग्लास प्लास्टिक का तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन करने के बाद आ जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ो, बस पढ़ो ज्यादा, बट ये जो ऊपर के टॉपिक्स पढ़ने लिखे हैं सारे आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर देखो यार दो चीजें होती हैं, सरकारी के लिए तैयारी करनी है तो तरीके से करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत पढ़ लिया और मन को सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ हमने पढ़ लिया और काम खत्म, नहीं, ठीक है। तो हम अपना ब्रिक मेसन भी कंप्लीट कर चुके हैं और मैं आपको आज हमारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो यार तैयारी में आपको फर्स्ट जैसे बोल रहा हूं, तैयारी को थोड़ा सीरियसली लो, थोड़ा बहुत पढ़ के नहीं होता है ना, फिर बाद में बोलते हैं यार मेरी पेपर अच्छा नहीं आया, पेपर अच्छे कैसे, अभी इन टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस आ गए तो आप लोग बोलोगे ना मैं जेई लेवल की बात कर रहा हूँ, ये मैं सोच रहा मैं आईपीएस लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं जेई लेवल की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने ब्रिक मेसनरी कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स लेड इन मोर्टार, अ हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स लेड इन मोर्टार और समटाइम्स विदाउट मोर्टार। अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स यूज में ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ऑफ ब्रिक्स लेड मतलब उसको हमने बिछा दिया, लेड इन मोर्टार कभी कभार मोर्टार में और समटाइम्स विदाउट मोर्टार, तो क्या होता है यार, सिंपल बात है, ब्रिक्स लिखा हुआ है ना, ब्रिक्स को जब हम हॉरिजॉन्टल लेयर में आपका ले करते हैं या फिर बिछाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्सेस बोलते हैं, है ना। देखो एक तो होती है ब्रिक मेसनरी, लाइक एग्जांपल ले लो ब्रिक वॉल, अब उस ब्रिक वॉल में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लेयर है वो सारी क्या होती है आपकी कोर्सेस होती है, हम सब डिस्कस कर चुके हैं। और इन कोर्सेस को जब हम यूज करके कंस्ट्रक्शन करते हैं लाइक वॉल, फुटिंग्स, ठीक है, आर्च, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ब्रिक मेसनरी। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम ब्रिक मेसनरी है और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, ब्रिक मेसनरी, ठीक है, विदाउट मोर्टार, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर टू,
When a brick is cut off lengthwise, when a brick is cut off lengthwise, the cut out bricks are called. बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये. जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि ब्रिक्स को एक तो मैं इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ काटूंगा और एक बार में इन द डायरेक्शन ऑफ विड्थ काटूंगा. देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे. When a brick is cut off lengthwise, the cut out bricks are called. इसने बोला है कि जो आपको ब्रिक काटनी है ना, इसको मैं ऊपर कर देता हूं. इसने आपसे बोला है जो आपको ब्रिक काटनी है वो लेंथ वाइज काटनी है, मतलब अराउंड द लेंथ काटनी है. जब हम अराउंड द लेंथ काटेंगे तो इस ब्रिक के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा ये हो जाएगा, एक टुकड़ा ये हो जाएगा, या एक पोर्शन ही हो जाएगा आपका, एक पोर्शन ही हो जाएगा. दोनों पोर्शन की लेंथ सेम रहेगी और इस टाइप के ब्रिक को हम बोलते हैं क्वीन क्लोजर. क्या बोलते हैं हम अपना? क्वीन क्लोजर. दोस्तों लिखा है लेंथ वाइज काटते तो आपका आंसर क्या है? क्वीन क्लोजर. देखो क्वीन क्लोजर किंग क्लोजर बहुत इजी चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. आपको जनरली ये ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन पता है किस तरीके से पूछेगा कि ब्रिक को जब हम अलोंग द विड्थ काटते हैं, देखो जब मैं इसको अलोंग द लेंथ काट रहा हूं तो दोनों पोर्शन की लेंथ सेम होती है, इसको बोलते हैं क्लोजर या क्वीन क्लोजर. जब मैं अब अलोंग द विड्थ में काटूंगा, जब मैं इसको अलोंग द विड्थ काट रहा हूं तो इसकी लेंथ चेंज हो जाती है. इस पोर्शन को बोला जाता है बैट. जब लेंथ का क्रॉस काटा तो क्लोजर, दैट मींस क्वीन क्लोजर. और जब अलोंग द विड्थ काटा, जब अलोंग द विड्थ में इसको काटूंगा तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, है ना. तो स्पेशली ध्यान रखना अलोंग द विड्थ क्या होता है आपका बैट. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. व्हाइल लेइंग ब्रिक्स इन वॉल, फ्रॉग ऑफ ब्रिक मस्ट बी कैप्ट. ये पूछा है जो ब्रिक के अंदर फ्रॉग हमारा बना होता है उस फ्रॉग को हम कौन सी डायरेक्शन में रखते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली. ब्रिक मेसनरी में इसलिए ले लिया क्योंकि ब्रिक का फ्रॉग हम ब्रिक्स टॉपिक में भी पढ़ते हैं, जब मैं आपको ब्रिक्स यूनिट पढ़ा रहा था. बट अभी ब्रिक मेसनरी में इसलिए ले लिया क्योंकि ईंटों को यूज करके मुझे अगर कोई चीज कंस्ट्रक्ट करनी है तो वो ब्रिक मेसनरी में आता है. इसने आपसे बोला है कि जब भी हम ब्रिक को यूज करते हैं तो उसके ऊपर जो फ्रॉग होता है, जो पोर्शन थोड़ा सा डिप्रेशन से बना हुआ होता है, वो हमेशा ऊपर रखा जाता है. तो याद रखना ये क्वेश्चन ईजी है, बट एग्जाम्स में आता है. व्हाइल लेइंग ब्रिक्स इन अ वॉल, इसे बोला कि दीवार में अगर हमें ब्रिक्स लेइंग करनी है तो फ्रॉग ऑफ द ब्रिक मस्ट बी कैप्ट अपवर्ड. ठीक है, पहले बता रहा मैंने आपको कि फ्रॉग किस किस के काम आता है. एक तो शेयर की काम आता है, वो बॉन्ड डेवलप करता है ना. ये हमने ब्रिक्स में भी डिस्कस करा था कि अगर डिप्रेशन नहीं होगा ब्रिक के अंदर तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा. लाइक शेयर की क्या होती है, जो एक दूसरे को अटका कर रखे. तो ये जो आपका डिप्रेशन होता है, दैट मींस जिसको हम फ्रॉग बोलते हैं, एज अ शेयर की ट्रीट करता है ये. तो आपका आंसर इसका अपवर्ड. ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है. इन अ सिंगल डे द मैक्सिमम हाइट ऑफ मेसनरी टू बी रेज्ड. जब मैं आपको ब्रिक मेसनरी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. ब्रिक मेसनरी में आपने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करे थे और मैंने आपको बोला था ये जितने भी पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये कन्वेंशनल में भी आते हैं और ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं. तो उन सारे पॉइंट्स में मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ब्रिक मेसनरी को हम एक दिन में 1.5 मीटर से ज्यादा कंस्ट्रक्ट नहीं करते. लाइक मुझे 6 मीटर की दीवार कंस्ट्रक्ट करनी है, हाइट है मेरी 6 मीटर, तो मैं क्या करूंगा उसको 1.5 मीटर में 4 दिन तक करूंगा. क्यों? ताकि जो 1.5 मीटर मैंने कंस्ट्रक्ट करा वो थोड़ी सी अगले दिन तक स्ट्रेंथ गेन कर ले और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वर्क चालू करेंगे. तो जब भी ब्रिक मेसनरी आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो एक दिन में मैक्सिमम 1.5 मीटर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे 1.5 मीटर, फिर नेक्स्ट डे 1.5 मीटर, ताकि जो लोअर पोर्शन है वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करता जाए और ऊपर वाले पोर्शन को सपोर्ट करता जाए. तो ध्यान रखना इस पॉइंट टू रिमेंबर में मैंने आपसे डिस्कस करा था कि एक दिन में जो हम मैक्सिमम हाइट ऑफ ब्रिक मेसनरी कंस्ट्रक्ट करेंगे वो आपकी 1.5 मीटर होती है. इजी क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट जरूरी है कुछ चीजों को डिस्कस करना जरूरी होता है. ठीक है, द इंटीरियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया शुरुआत में. द इंटीरियर ऑफ हार्टिंग ऑफ वॉल शुड बी फिल्ड विद. क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कुछ लोगों का क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया क्योंकि जिसको हार्टिंग नहीं पता उसको ये क्वेश्चन पता नहीं लगेगा. कुछ बुक्स में ये हियरिंग लिखा हुआ टी गायब है, ये हार्टिंग ही होता है. ठीक है, कुछ बुक्स में इसको हियरिंग लिखा हुआ एच ई ए आर आई एन जी, ये हार्टिंग है एक्चुअली, हियरिंग नहीं है, हार्टिंग. ठीक है, देखो भैया दीवार आपने कंस्ट्रक्ट करी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, जब भी हम दीवार कंस्ट्रक्ट करते हैं जो फेस हमें वॉल का दिख रहा है उसको हमने बोल दिया फेसिंग, जो उसका दूसरा फेस है उसको हमने बोल दिया बैकिंग. देखो जो अब ये रूम है, उस रूम का जो मुझे दिख रहा है वो क्या होगा आपका फेसिंग, जो उसका पीछे का पोर्शन है वो क्या होगा बैकिंग, और जो इन दोनों के बीच का पोर्शन है वो क्या है आपका हर्टिंग. फेसिंग कोई दीवार है जिसकी चौड़ाई है 20 हमने सेंटीमीटर मान ली, कोई दीवार है तो जो मुझे दिख रहा है वो हो गया फेसिंग, जो मुझे नहीं दिख रहा है वो हो गया बैकिंग, और जो इन दोनों के बीच का पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं हर्टिंग. तो जब मैं पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको बता रहा था तो मैंने आपसे डिस्कस करी थी कि जनरली स्ट्रेचर बॉन्ड जो होता है हमारा हम फेसिंग के यूज करते हैं. मैंने आपको बताया था कि फेसिंग के लिए
हम लोग स्ट्रेचर बोर्ड यूज करते हैं। स्ट्रेचर बोर्ड आपको पता है, जब हम लॉन्ग नैरो फेस, अगर ये ब्रिक है, स्ट्रेचर का मतलब जब हम लॉन्ग नैरो फेस यूज करते हैं, हेडर का मतलब जब हम शॉर्ट फेस यूज करते हैं, ठीक है। जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था फेसिंग के बारे में, तो बताते हैं कि फेसिंग की, जब फेसिंग वर्क होता है, जो हमें दिख रहा है, उस फेसिंग वर्क में हम स्ट्रेचर बॉन्ड यूज कर सकते हैं, बट जो हर्टिंग होता है, मतलब हर्टिंग होता है मतलब बीच वाला, और जो बैकिंग होता है उसमें ऑलवेज, दैट मीन्स हर्टिंग एंड बैकिंग, इन दोनों में हम कौन सा यूज करते हैं, हेडर। तो इसने क्वेश्चन आपसे यही पूछा है, इसने क्वेश्चन आपसे यही पूछा है, द इंटीरियर और हार्टिंग, फेसिंग बैकिंग, ये दीवार है, दिख रहा है फेसिंग, जो नहीं दिख रहा बैकिंग, इन दोनों के बीच में हर्टिंग, द इंटीरियर और हार्टिंग ऑफ ए वॉल शुड बी फिल्ड विद ओनली हेडर्स। मैंने आपको रीजन ही बताया था इसका, ठीक है। ये सारे रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हर्टिंग होती है वॉल की, दीवार की जो हर्टिंग होती है, वो ऑलवेज हेडर्स के साथ आपकी कंस्ट्रक्ट करी जाती है, ठीक है। अब देखना बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है मैं पढ़ लेता हूं उसको, क्वेश्चन नंबर 6, इफ आफ्टर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से देखो, इफ आफ्टर एवरी 3 or 4 स्ट्रेचेस, इफ आफ्टर एवरी 3 or 4 स्ट्रेचर्स, 3 or 4 स्ट्रेचर्स, 1 हेडर इज यूज इन अ ब्रिक मेसनरी वॉल, देन द बॉन्ड सो फॉर्म्ड विल बी कॉल्ड एज। देखो जी, हमने कल अपने सारे बॉन्ड डिस्कस करे थे, कौन कौन से बॉन्ड बताए मैंने आपको, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कौन कौन से बॉन्ड बताया, सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रेचर बॉन्ड बताया, फिर हेडर बॉन्ड बताया, फिर इंग्लिश बॉन्ड बताया, फिर फ्लेमिश बॉन्ड बताया, फिर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड बताया, फिर डबल फ्लेमिश बॉन्ड बताया, फिर फेसिंग बॉन्ड बताया, फिर हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड बताया, और उसके बाद मैंने लास्ट में आपको बताया था फ्लेमिश गार्डन वॉल, फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड। तो ये सारे बॉन्ड्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, और मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भैया दो चीजों में ध्यान रखना, एक तो फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड में, और दूसरा आपको डिफरेंस किसमें याद रखना है, एंड फेसिंग बॉन्ड। जब मैं आपसे फ्लेमिश गार्डन वॉल की बात कर रहा था, आई होप मेरे पास, ठीक है इसका फोटो है, जब मैं आपसे फ्लेमिश, देखो स्ट्रेचर, हेडर, इंग्लिश फ्लेमिश, सिंगल फ्लेमिश, डबल फ्लेमिश, फिर फेसिंग बॉन्ड आया था, फिर मैंने हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड बताया था, हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड बताया था, और हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड के बाद मैंने आपको लास्ट में फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड बताया था। मैंने आपको स्पेशली बताया था कि फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड और इसमें दोनों सेम सी चीजें होती हैं, बट एक डिफरेंस क्या है कि फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड में 3 स्ट्रेचर आएंगे, लाइक दिस, 3 स्ट्रेचर आएंगे, स्ट्रेचर फेस आगे ब्रिक्स के, 3 या 4। ये देखो, ये एक फर्स्ट कोर्स हो गया, ये सेकेंड कोर्स हो गया, ये थर्ड कोर्स हो गया, ये थर्ड कोर्स हो गया ना, हो गया थर्ड, दैट मीन्स पहला भी स्ट्रेचर कोर्स है, सेकेंड भी स्ट्रेचर कोर्स है, थर्ड भी स्ट्रेचर कोर्स है, और इसके बाद हेडर आ जाता है। हेडर, हेडर के साथ हमेशा हमें क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, क्वीन क्लोजर। हेडर के साथ हमेशा क्या यूज करना है, क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर आ गई इस तरीके से, है ना। तो मैंने आपको जनरली इन दोनों में डिफरेंस बताया था कि फ्लेमिंग, देखो फेसिंग बॉन्ड में भी क्या होता है कि 6-7 कोर्सेस आ गई, अब यहां पर 3 कोर्सेस है, आपको इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना है, फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड में 3 कोर्सेस के बाद, 3 या 4 के बाद आपका हेडर आता है, इसका सीक्वेंस होता है, इसका सीक्वेंस होता है, मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास शायद है, कोशिश करता हूं, अगर हम बात करें, होना तो चाहिए मेरे पास, ये देखो, तो यहां पर 3 स्ट्रेचर कोर्स है, देखो पहला स्ट्रेचर कोर्स, सेकंड स्ट्रेचर कोर्स, थर्ड स्ट्रेचर कोर्स, और फिर उसके बाद हेडर आया, जो डार्क ब्राउन कलर में दिख रहा है वो आपका हेडर आया। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये है फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड, और नीचे जो मैंने आपको बना रखा है जो एंगल पर है, ये कौन सा आपका हेरिंग बॉन बॉन्ड, ठीक है छोड़ो इसको, कहां गए क्वेश्चन हमारे, ठीक है। तो आपको फेसिंग बॉन्ड और फ्लेमिश गार्डन में क्या ध्यान रखना है कि फेसिंग बॉन्ड जो होता है उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, वो 7-8 कोर्स के बाद भी हो सकता है। देखो फेसिंग में क्या था, जब मैं आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर बता रहा था कि ब्रिक मेसनरी में हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने, किस तरीके से ब्रिक मेसनरी कंस्ट्रक्ट होती है, तो मैंने आपको बताया था
कि हम ब्रिक मैसनरी में जनरली बैट्स को अवॉइड करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हम क्वीन क्लोजर को यूज कर सकते हैं, बट जनरली जब हम ब्रिक मैसनरी यूज करेंगे तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि कोई भी टुकड़ा यूज नहीं करना ब्रिक का, यूनिफॉर्म ब्रिक यूज करनी है, यूनिफॉर्म ब्रिक जिसकी लेंथ सेम हो। हाँ, कहीं पर मजबूरी है, जैसे हेडर बॉन्ड का, हेडर बॉन्ड के लिए हमें मजबूरी में 3/4 बैट यूज करना पड़ता है ताकि जो जॉइंट है सक्सेसिव लेयर्स के या सक्सेसिव कोर्सेस के वो आपके एक लाइन में ना आ जाए। वो सारी कहानी हमने डिस्कस कर रखी है, तो बार बार डिस्कस करने से मतलब नहीं बन रहा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखो फेसिंग मोड में क्या है, हम बैट्स भी यूज कर लेते हैं, तो फेसिंग मोड में कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर कभी भी आपके साथ क्वेश्चन आए कि 7-8 हेडर के बाद, या 7 हेडर नहीं, 7-8 स्ट्रेचर के बाद एक हेडर कोर्स प्रोवाइड कर दी, 7-8 स्ट्रेचर के साथ, स्ट्रेचर बॉन्ड के साथ या स्ट्रेचर कोर्स के साथ एक हेडर प्रोवाइड कर दिया, तो वो फेसिंग मोड आंसर होगा आपका। तो यहां पर साफ साफ लिखा 3 और 4 स्ट्रेचेस, जो कि आपका फ्लेमिश गार्डन वॉर बॉन्ड ही होता है, जो कि आपका फ्लेमिश गार्डन वॉर बॉन्ड ही होता है। देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं तो इजी, बट अगर हम जैसे क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं देंगे तो मे बी ये क्वेश्चन आपके अटक जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच एवरी कोर्स कंटेन्स बोथ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स, वो कौन सा बॉन्ड होता है जिसमें हेडर्स भी होते हैं स्ट्रेचर्स भी होते हैं। देखो दो बॉन्ड आपको ध्यान रखने हैं, एक तो इसने क्या लिखा हुआ है यहां पर ध्यान से देखो लाइन, एवरी कोर्स मतलब हर कोर्स में, जो कोर्स का मतलब हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो होती है, एक हॉरिजॉन्टल लेयर, दूसरी हॉरिजॉन्टल लेयर, तीसरी हॉरिजॉन्टल लेयर, जितनी भी हॉरिजॉन्टल आपकी लेयर्स हैं, जितनी भी आपकी हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं, आपको दो याद रखना है। मैं इंग्लिश बॉन्ड की बात करूं तो इंग्लिश बॉन्ड में पहला स्ट्रेचर आएगा फिर हेडर आएगा, फिर स्ट्रेचर आएगा फिर हेडर आएगा, बट फ्लेमिश बॉन्ड में क्या था, स्ट्रेच एक ही कोर्स में, सेम कोर्स में स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर। तो सिंपल सा इसका आंसर है, किस बॉन्ड में देख लिखा हुआ है, इन विच एवरी कोर्स, एक हॉरिजॉन्टल कोर्स में, हर हॉरिजॉन्टल कोर्स में हेडर्स भी होंगे और स्ट्रेचर्स भी होंगे। तो इसका आंसर आपका सिंपल सा है, फ्लेमिश बॉन्ड, क्योंकि इंग्लिश बॉन्ड में सक्सेसिव लेयर्स में होता है, एक में स्ट्रेचर गया तो अगले में हेडर जाएगा, बट फ्लेमिश में एक कोर्स में हेडर भी होता है स्ट्रेचर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच ब्रिक मैसनरी कंटेन ऑल्ट, देखो इसने ये पूछ लिया, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच ब्रिक मैसनरी कंटेन्स कंटेनिंग ऑल्टरनेट कोर्सेस, अब इसने बोल दिया ऑल्टरनेट, दैट मींस एक स्ट्रेचर का है तो अगला हेडर है, फिर एक स्ट्रेचर है फिर अगला हेडर है, तो इस टाइप के बॉन्ड हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड हम क्या बोलेंगे आपका, इंग्लिश बॉन्ड। इसका भी आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, द स्ट्रेचर बॉन्ड इज जनरली यूज फॉर, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखो, सबसे पहला बॉन्ड जो मैंने आपको पढ़ाया था वो स्ट्रेचर बॉन्ड पढ़ाया था, और मैंने आपको पढ़ाया था कि स्ट्रेचर बॉन्ड जो होता है, ध्यान से देखना, स्ट्रेचर बॉन्ड के साथ ऑलवेज हाफ ब्रिक वॉल पॉसिबल हो पाती है। सारे रीजन आपको पहले दे चुका हूं, डिस्कस करा था हम लोगों ने, ठीक है। स्ट्रेचर के साथ ओनली हाफ ब्रिक, अब हाफ ब्रिक वॉल इसको बोलते हैं, उस जिस ब्रिक की विड्थ 9 सेंटीमीटर है, जिस ब्रिक की विड्थ 9 सेंटीमीटर है उसको हम हाफ ब्रिक वॉल बोलते हैं, जिसकी 19 से 20 सेंटीमीटर है हम उसको फुल ब्रिक वॉल बोलते हैं। तो मैंने कल आपको जब स्ट्रेचर पर डिस्कस कराया था तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेचर के साथ ओनली हाफ ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्ट होती है, इस कारण हम स्ट्रेचर को, स्ट्रेचर बॉन्ड से जो हमने दीवार बनाई उसमें कभी जिस बॉन्ड को यूज करके हम स्ट्रेचर, मतलब जिस स्ट्रेचर बॉन्ड में यूज करके हम वॉल बना रहे हैं, उस वॉल को हम कभी भी लोड बियरिंग नहीं बनाएंगे, लोड बियरिंग नहीं बनाएंगे। स्ट्रेचर बॉन्ड से जो दीवार बनती है वो हमेशा पार्टीशन वॉल की बनती है। पार्टीशन वॉल कैसी वॉल होती है, जिस पर कोई लोड नहीं लगता है ना। तो दैट मींस जैसे पूछा द स्ट्रेचर बॉन्ड इज जनरली यूज फॉर, इसने पार्टीशन वॉल तो दिया नहीं, हो सकता है अगला क्वेश्चन पार्टीशन वॉल का आ जाए। तो स्ट्रेचर बॉन्ड से ऑलवेज हाफ ब्रिक वॉल ही पॉसिबल होती है, क्यों होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दैट मीन्स हाफ ब्रिक वॉल, ठीक है, ठीक है। अब देखो हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड इज यूज फॉर, हेरिंग बॉन्ड इज यूज फॉर, आपको हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड नहीं पता होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बुक्स में जनरली हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड नहीं दिया हुआ, बट इससे क्वेश्चन आता है, बुक्स में जनरली हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड नहीं दिया हुआ बट इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड कौन सा है, देखिए इधर, ये है हेरिंग बॉन्ड, दिख रहा है, ये है आपका हेरिंग बॉन्ड इस तरीके से, जहां पर ब्रिक्स को 45 डिग्री, अब देखो इधर ध्यान से देखो,
इस तरीके से इंक्लाइन करके जनरली ये ब्रिक्स हेरिंग बोन बोर्ड कहां पर यूज करा जाता है, आर्किटेक्चरल व्यू के लिए। किसके लिए यूज करा जाता है आपके, आर्किटेक्चरल व्यू के लिए। ठीक है, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, कौन सा टॉपिक था हमारा, ठीक है। तो हेरिंग बोन बोर्ड इज यूज फॉर ऑर्नामेंटल पैनल इन ब्रिक फ्लोरिंग, मतलब दिखने के लिए अच्छा आर्किटेक्चर फिनिश, वर्स एवरीथिंग इज मॉडर्न फॉर ब्रिक्स। ठीक है, याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, देखो नो डाउट हेरिंग बोन बोर्ड आपका वहां पर यूज होता है ऑर्नामेंटल चीजें, जो ऑर्नामेंटल चीजें होती है आपको पता है ना, जैसे ऑर्नामेंटल्स क्या होता है, आपको कोई शेप देनी है अच्छी सी, ठीक है, आर्किटेक्चर व्यू के लिए दिखने में अच्छा लगे। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, हेरिंग बोन बॉन्ड आपका वहां पर ही यूज होता है जिसकी थिकनेस चार ब्रिक्स से ज्यादा होती है, जिसकी थिकनेस आपकी चार ब्रिक्स से ज्यादा यूज होती है। हेरिंग बोन बॉन्ड, हेरिंग बोन बॉन्ड हम वहां पर ही यूज करते हैं जहां पर आपकी एटलीस्ट जो थिकनेस होगी वॉल की वो चार ब्रिक के बराबर होगी। दैट मींस अगर मैं आपसे बोलूं चार ब्रिक का मतलब क्या है, 19 × 4, क्योंकि देखो हाफ ब्रिक का मतलब क्या होता है 9 सेंटीमीटर 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और अगर मैं एक्चुअली 9 सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है, मोर्टार अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, और अगर हम बात करें फुल ब्रिक वॉल की तो फुल ब्रिक वॉल की कितनी होती है 19 सेंटीमीटर, तो 19 × 4 जब थिकनेस होगी उस जगह हम हेरिंग बोन भी यूज कर सकते हैं। इसका आंसर आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू कंस्ट्रक्ट अ 10 सेंटीमीटर थिक पार्टीशन वॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्टीशन वॉल ऐसी वॉल होती है जिस पर कोई लोड नहीं लगता है, और पार्टीशन वॉल हम जनरली यूज करते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड, थोड़ा इकोनॉमिकल भी पड़ता है क्योंकि पार्टीशन वॉल आपको पता है जैसे आपका किचन है, आपका ड्राइंग रूम है, फिर आपका बेडरूम है, ठीक है, तो ड्राइंग रूम और बेडरूम में आपको एक दीवार लेनी पड़ेगी, उस दीवार ताकि उनके बीच में पार्टीशन हो जाए, तो इस टाइप की पार्टीशन वॉल हम जनरली स्ट्रेचर बॉन्ड से बनाते हैं, क्योंकि उसमें आपकी जगह भी बच जाती है, 9 सेंटीमीटर मोटा की 10-10 mm की थिकनेस ले लेंगे तो ज्यादा जगह हमारी नहीं गिरती है। तो इसलिए पूछा कि पार्टीशन वॉल के लिए सबसे अच्छा बॉन्ड कौन सा है, मैं बिना देखे बोल दूंगा स्ट्रेचर बॉन्ड, क्योंकि एक सेकंड, बिना देखे मैं बोल दूंगा स्ट्रेचर बॉन्ड, क्यों बोल दूंगा स्ट्रेचर बॉन्ड, क्योंकि मुझे पता है लोड उस पर लगना नहीं है, जबरदस्ती की मोटी थिकनेस वाली बनानी नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं इंग्लिश बॉन्ड की, फ्लेमिश बॉन्ड की, तो इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड पर हमारा लोड बियरिंग, हम लोड बियरिंग वॉल अगर बनाना चाहें जिस पर लोड लग रहा है तो हम इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड यूज कर सकते हैं, बट वो जगह बहुत ज्यादा घेर लेता है, इंग्लिश बॉन्ड भी जगह ज्यादा घेर लेगा, फ्लेमिश बॉन्ड भी जगह ज्यादा आपकी घेर लेगा, सबसे बेस्ट क्या आपका स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, द अलाइनमेंट ऑफ ए क्रॉस जॉइंट अलोंग द प्लम लाइन, अभी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, द अलाइनमेंट ऑफ अ क्रॉस जॉइंट अलोंग द प्लम लाइन इज, मैंने जब आपको पॉइंट्स, देखो मैं उस टाइम आपको बोल रहा था ना कि जो ब्रिक मेसनरी के मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, जब मैं आपको बता रहा था कि ब्रिक मेसनरी के मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, तो उसमें दो पॉइंट क्या थे, उसमें दो पॉइंट क्या थे कि एक तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल कोर्सेस होती है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, जितने भी आपकी हॉरिजॉन्टल कोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या था, हम दीवार की वर्टिकैलिटी भी चेक करते हैं, हम दीवार की वर्टिकैलिटी भी चेक करते हैं, और वर्टिकैलिटी कैसे चेक करते हैं, बाय यूजिंग प्लंब बॉब। तो प्लंब बॉब यूज करेंगे, जो जो धागा लटका प्लम बॉब पर उसको हमने बोले प्लम लाइन। इस प्लम लाइन को हम कहां लगाते हैं, हम वर्टिकल जॉइंट्स पर लगाते हैं, जो दैट मींस जैसे मान लो आपका कोई भी कोर्स है तो उसके हम क्या करेंगे परपेंड्स पर, आप समझो, मैं पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी हम वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं वी ऑलवेज चेक द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड द वर्टिकलिटी ऑफ वॉल। तो वर्टिकलिटी ऑफ वॉल की मैं बात करूं तो मुझे प्लम बॉब यूज करना पड़ता है। प्लम बॉब मैं हमेशा कहां पर लगाता हूं, मैं हमेशा लगाता हूं परपेंड पे, परपेंड जानते हो ना, सक्सेसिव लेयर्स या फिर ऑर्डरेट लेयर्स। अब मैं आपको परपेंड तो मैं आपको 1,00,000 बार बता चुका हूं परपेंड क्या होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द ब्रिक ऑफ स्फेरिकल शेप यूज इन ब्रिक मेसनरी, द ब्रिक ऑफ स्पेशल शेप used in brick masonry, special लिखा हुआ spherical नहीं है, ठीक है भैया। दो चीजों का ध्यान रखना, जो भी मैं आपको बता रहा हूं स्पेशली ध्यान रखना, यह क्वेश्चन दो तरीके से घुमाया जा सकता है। इसे मुझे द ब्रिक ऑफ स्पेशल शेप, अगर हम स्पेशल शेप की बात करें ब्रिक की तो दो ब्रिक्स होती हैं, एक होती है आपकी स्क्वेल और एक होती है आपकी बुल नोज, बुल नोज।
इन दोनों की शेप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम स्क्विंट की बात करें, पहले तो हम बुलनोज क्या करते हैं, देखो एक जनरल सिंपल सी ब्रिक आपकी इस शेप की होती है, रेक्टेंगुलर, ये आपकी सिंपल सी शेप, दिस इज रेक्टेंगुलर ब्रिक, 19x9x9 सेंटीमीटर। बुलनोज की बात करें तो बुलनोज में क्या होता है, ये कर्व्ड होता है, मैंने आपको दिखाया भी था कहां पर हम कर्व्ड ब्रिक्स यूज करते हैं। तो बुलनोज में क्या होगा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बुलनोज में क्या होता है, ये आपका यहां से कर्व, मतलब ये कर्व्ड होता है ना, ये कर्व्ड होती है, ये वाला पोर्शन आपका कर्व्ड होता है, इस तरीके से कर्व्ड होता है, स्फेरिकल होता है। तो अगर उसने जनरली चलो यहां पर उसने स्पेशल पूछा है, स्पेशल, अब स्पेशल ब्रिक्स तो भैया दो होती है, एक तो होती है आपकी स्क्विंट और दूसरी होती है आपकी बुलनोज, दोनों स्पेशल है जिनसे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्क्विंट में क्या होता है, ध्यान से देना, स्क्विंट में ये पोर्शन जैसे मैं आपको दिखाता हूं, स्क्विंट का मैं आपको प्लान दिखा रहा हूं, प्लान मतलब टॉप से, अगर इस ब्रिक को मैं टॉप से देखूंगा तो प्लान हो गया, अगर मैं स्क्विंट की बात करूं आपसे तो स्क्विंट आपकी कुछ इस शेप में होती है, मतलब कैसे दिखाऊं मैं आपको, 90 डिग्री का एंगल होता है इनके बीच में, स्क्विंट आपकी इस तरीके से शेप में होती है। तो ध्यान रखना, दैट मींस मैं कोशिश करता हूं, यार मैं कैसे कोशिश करूं, दिखाता हूं इस तरीके से, और इन दोनों के बीच में एंगल होता है आपका 90 डिग्री, ये मैंने आपको प्लान देखा है, प्लान मीन्स ऊपर से आप देख रहे हो ना, इस तरीके से। तो जनरली आपको ध्यान रखना कि दो स्पेशल, एक तो होती है स्क्विंट और दूसरी होती है आपकी बुलनोज, तो इसलिए कुछ ऑप्शन में स्क्विंट कहीं टिक कर रखा हुआ नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या टिक करेंगे, आपका बुलनोज। जनरली बुलनोज के लिए वो स्फेरिकल पोर्शन यूज करेगा, इसने यहां पर नहीं यूज करा, ऑप्शन में बुलनोज ही है तो हम लोग बुलनोज टिक कर देंगे, ठीक है। फॉर हर्टिंग ऑफ थिक वॉल्स द ब्रिक यूज्ड इज, मैंने आपको पहले भी बताया था, हर्टिंग का क्वेश्चन आपको बार बार आएगा, हर्टिंग के लिए हमेशा हम हेडर्स यूज करते हैं, तो फॉर हर्टिंग ऑफ थिक वॉल्स द ब्रिक यूज इज हेडर्स, बताने की बार बार जरूरत नहीं है। एन एक्सटर्नल कॉर्नर इन द ब्रिक मेसनरी स्कॉट, मैंने बताया था जब जहां पर दो वॉल मिलती है उनके बाहर का जो एक्सटर्नल एंगल होता है, देखो क्या लिखा है, एन एक्सटर्नल कॉर्नर इन ब्रिक मेसनरी, वही जो दीवार होती है जहां पर दो दीवारें मिलती है, उसका कॉर्नर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉइन, ये क्यूआईन नहीं होता, कॉइन्स होता है, कॉइन्स, ठीक है, जो आप सिक्का पढ़ते हो सिक्का, ये इसका प्रेजेंटेशन क्या है, कॉइन, COIN, तो जब दांव पर दो दीवारें मिलती है तो उसका एक्सटर्नल कॉर्नर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका कॉइंस, और जनरली इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एन एक्सटर्नल कॉर्नर इन ब्रिक मेसनरी इज कॉल्ड कॉइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ अ वॉल, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिक्स स्टार क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ अ वॉल एट द साइड ऑफ ओपनिंग, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ना, वरना आप हिल जाओगे इस क्वेश्चन में, द पार्ट ऑफ अ वॉल एट द साइड ऑफ ओपनिंग इन द मेसनरी इज कॉल्ड, द पार्ट ऑफ अ वॉल एट द साइड ऑफ ओपनिंग इन द मेसनरी इज कॉल्ड, ब्रिक मेसनरी है, ब्रिक मेसनरी है, उस ब्रिक मेसनरी के अंदर ओपनिंग है, लाइक हम मान लेते हैं विंडो की ओपनिंग है, भैया दीवार है ब्रिक की, क्वेश्चन को समझना है बहुत मुश्किल है, ब्रिक की दीवार है, द पार्ट ऑफ ए वॉल, एक वॉल है उसमें ओपनिंग है, उस ओपनिंग की जो साइड होती है, एक्चुअली इसको यहां पर ब्रिक मेसनरी लिखना चाहिए था, बट ठीक है, स्टोन मेसनरी में भी सेम होता है, द पार्ट ऑफ ए वॉल, ध्यान देना, एक दीवार है, दीवार में एक ओपनिंग है, उस ओपनिंग की साइड को क्या बोलते हैं, उसके लिए आना पड़ेगा मुझे आपके पास इस जगह, आ जाओ उधर, दिख रहा है उधर, देखो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे व्हाइट कलर का पिक दिख रहा है, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना, इस एक पिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इस एक पिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये दीवार है, मैं रेड कर देता हूं उसको, ये रही आपकी ब्रिक मेसनरी, ये रही आपकी ब्रिक मेसनरी, लो लाल लाल कर दी, मजा आएगा ना, ठीक है, ध्यान से देखना मैं कहां तक लाल कर रहा हूं उसको, ये आपकी ब्रिक मेसनरी है, थैंक यू बोला इस क्वेश्चन के, मेरे को सरकारी की तैयारी अगर आसान होगी तो हर कोई सरकारी बन जाता ना दोस्त, दिक्कत तो यही है, सरकारी तैयारी में ना दिमाग को बहुत दौड़ाना पड़ता है, पता नहीं लोग कैसे बोल देते सरकारी इजी होता है, बहुत मेहनत चाहिए यार, बहुत मेहनत करो मेहनत, ठीक है।
ज्ञान के बाद बाद में, ठीक है। तो अगर मैं इस पिक की बात करूं आपसे, फोटोग्राफ की बात करूं, क्या दिख रहा है? लाल कलर कर दिया, ब्रिक मैसनरी है, इसके अंदर एक वॉल है। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको। दिख रहा है जैसे कोई दीवार होती है तो बीच में यहां पर कॉन्क्रीट का एक बीम टाइप बना देते हैं, ध्यान से देखना, कॉन्क्रीट का एक बीम टाइप बना देते हैं ताकि सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। इस पोर्शन में देखो, लोअर पोर्शन है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ये ब्रिक मैसनरी का एक क्वेश्चन है, ये वॉल है, ये विंडो की ओपनिंग है, ध्यान से देखना। ये जो आपके टॉप मोस्ट पोर्शन होता है ना, ये बीम टाइप पे रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सोफिट, इसको हम बोलते हैं सोफिट। ये याद रखना, मैं जितना भी लिख रहा हूं, ये तो टॉप मोस्ट पोर्शन है, और जो लोअर है, हम आरसीसी का भी बनाते हैं, कॉन्क्रीट का भी बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं सिल, एस आई एल एल। तीन चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है यहां से। अब ध्यान से देखना भाई साहब, ये आपको देखो, अब ये दीवार से दिखेगी वाली दीवार, इस दीवार में दो चीजें हैं, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना ये। इस दीवार में दो चीजें, एक तो ये एक्सपोज पोर्शन है जो इसकी विड्थ है, एक तो चौड़ाई वाला पोर्शन है, जैसे मान लो ये रहा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है मैं आपको बता रहा हूं, एक तो ये वाला पोर्शन है एक्सपोज, इस पोर्शन को हम बोलते हैं रिवील, इस पोर्शन को मैं बोलता हूं, ये जो एक्सपोज पोर्शन है ना, ये एक्सपोज पोर्शन, इसको मैं बोलता हूं रिवील, आर ई वी ई ए एल, रिवील। एंड ये जो साइड में ये एज, ये जो एज आपको दिख रही है, देखो ध्यान से देखना, मैं फिर रिपीट करूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ऊपर है वो सॉफिट, जो नीचे है वो सिल, यहां पर सिल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है उन्होंने, एस आई एल एल, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्सपोज पोर्शन है दीवार जैसी जो आपको दिख रही है, ये जो पोर्शन है ये वाला जहां पर मेरा थंब लगा रहा हूं मैं, ये पोर्शन है आपका रिवील, आर ई वी ए एल। और ये जो आपकी साइड की एजेस है ना, इसको हम बोलते हैं जैम, जे ए एम बी, दिस इज जैम। आप ध्यान से देखना, आप समझ लो, इस एक फोटोग्राफ से मैंने आपके तीन चार क्वेश्चन निकाल दिए। बाद में पूछ लेगा सॉफिट क्या है, रिवील क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन करने बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मैंने तो आपको सब कुछ कवर करा दिया, बट इससे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन आते हैं, अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में आपको दुख होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? जो लोअर पोर्शन जो हम कॉन्क्रीट का जो जनरली कॉन्क्रीट यूज होता है, इसको हम बोलते हैं सिल, ऊपर वाले को सॉफिट, ये जो एक्सपोज पोर्शन है इसको बोलेंगे रिवील, और इस एक्सपोज पोर्शन की जो साइड्स है, ये जो आपकी एजेस है, ये वाली, ये एजेस, इनको हम बोलते हैं जैम, जे ए एम बी। अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप बता दोगे मुझे, आप बता दोगे मुझे क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पर, द पार्ट ऑफ अ वॉल, अब ध्यान से देखना, द पार्ट ऑफ अ वॉल एट द साइड ऑफ ओपनिंग, ये उस एक्सपोज पोर्शन की बात नहीं कर रहा, उस ओपनिंग की, द पार्ट ऑफ ए वॉल, मैं इस क्वेश्चन को फिर बताऊंगा, ध्यान से देखना, ओपनिंग है ब्रिक मेसनरी का, उस ओपनिंग की जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जे ए एम बी, कहीं कहीं पर ये जे ए एम पी भी लिखा होता है, जैम, जे ए एम पी नहीं है, ये जे ए एम बी होते हैं, जाम भी बोलते हैं उसको, जैम भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, जैम। तो ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस करोगे तो जाकर मजा आएगा आगे अगर पढ़ने में, ठीक है। समझ में आ गई चीज, चार क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे याद है सरकारी में क्वेश्चन, फिर बोल दो पता नहीं सिर्फ कहां से आ गए, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। एक्सपेंशन जॉइंट्स, देखो क्या होता है, चाहे कॉन्क्रीट हो आपका, जैसे मान लो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पे क्या करते हैं, पियर बना देते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, फ्लाईओवर में पियर बना देते हैं और पियर के ऊपर गर्डर रख देते हैं, दो पियर बनाए गर्डर रख दिया, फिर उसके नेक्स्ट पियर बनाए गर्डर रख दिया, गर्डर करते 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 उसके ऊपर डेक स्लैब बना देते हैं। मैं एक लाख बार डिस्कस कर चुका हूं फ्लाईओवर के बारे में, तो मैं आपसे एक लाख बार डिस्कस कर चुका हूं। तो पियर बनाया, दो पियर्स बनाए, उसके ऊपर गर्डर रख दिया, उसके ऊपर डेक स्लैब बना दिया जिस पर आपकी गाड़ियां चलती हैं। तो जो गर्डर होता है ना, गर्डर के बीच में भी गैप होता है, क्यों? जैसे दो पियर बनाए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं इससे, या फिर दो पियर्स बनाए, ये पियर क्या कर रही, या फिर दो पियर्स बनाए, ये पियर क्या कर रही, मैं तीन पियर बनाता हूं आपके सामने, है ना, तो आप क्या करोगे, गर्डर रखोगे इसके ऊपर। अब ये दूसरा गर्डर जो है इनके बीच में गैप होता है, ये गैप क्यों रखा जाता है भाई साहब? अगर मैं आपसे पूछूं ये गैप क्यों रखा जाता है, ये गैप इसलिए रखा जाता है क्योंकि कॉन्क्रीट टेम्परेचर से एक्सपेंड करता है। तो एक्चुअली कल को कॉन्क्रीट अगर एक्सपेंड करें तो वो एक दूसरे से टकराए नहीं,
या आपका सीसी रोड में भी होता है, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड में भी आप देखना कि बीच बीच में थोड़ा सा गैप छोटा होता है, वो क्यों होता है, एक्सपेंशन गैप होता है। कल को कॉन्क्रीट फेल है तो उसको फैलने की जगह मिलनी चाहिए। अगर ये दो चीज है, ये दो कॉन्क्रीट की लेयर्स है, अगर इसको मान लो ये कॉन्क्रीट की लेयर्स है, अगर ये फैलेगा तो इसका जगह होनी चाहिए, तो इनके बीच का जो गैप होता है वो होता है एक्सपेंशन गैप। अब जनरली जो आपके कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो गर्डर्स रखे जाते हैं, उन गर्डर्स के बीच में भी गैप होता है, उन गैप को फिल करा जाता है रबर गैस्केट्स है। किस तरह आता है रबर गैस, रबड़ होती है, रबड़ को फिक्स कर दिया जाता है क्योंकि रबड़ फ्लेक्सिबल होती है। और वह रबड़ हमने क्यों लगाया, ताकि पानी नीचे को लीकेज ना हो भाई, गर्डर के बीच में गैप रहेगा। आप अगर उसमें रबर गैस्केट फिक्स नहीं करोगे तो कल को पानी आएगा तो जो आपने कहा लोग फ्लावर के नीचे बारिश में खड़े होते हैं, फ्लावर के नीचे बारिश में आप खड़े जो होते हो तो उसमें अगर रबर गैस्केट नहीं लगाओ तो पानी फिर आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब इसने क्वेश्चन का पूछा था नॉमिन एक्सपेंशन जॉइंट इन ब्रिक मेसनरी। मैंने अभी आपको कॉन्क्रीट ही समझाया, अब मैं आपको ब्रिक में समझाऊं। ब्रिक मेसनरी में भी हमें कुछ सुटेबल इंटरवेल पर एक्सपेंशन गैप देना पड़ता है। ब्रिक मेसनरी में भी हमें सुटेबल एक्सपेंशन गैप देना पड़ता है। अगर हम सुटेबल एक्सपेंशन गैप नहीं देंगे तो फिर ब्रिक मेसनरी की हालत आपकी इस तरीके से हो जाएगी। ये ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से देख रहे हो। तो दैट मीन्स इनको इस कॉर्नर ब्रिक थोड़ी बहुत एक्सपेंड हुई, टेम्परेचर बढ़ा, ब्रिक एक्सपेंड हुई, और एक्सपेंड होने के बाद आपका अब जगह नहीं है, कोई चीज फैलेगी तो टूटेगी। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से, हाँ जी इतना परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखो अगर इसने यहां पर एक्सपेंशन गैप दिया होता, अगर इसने यहां पर एक्सपेंशन गैप दिया होता तो ब्रिक थोड़ी सी एक्सपेंड कर जाती और ब्रिक आपका मेसनरी डैमेज नहीं होता, बट भाई ने नहीं दिया तो देख लो फिर क्या हाल हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो एक्सपेंशन गैप की इंपॉर्टेंस आपको बता चुकी है। इसने बंदे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्सपेंशन जॉइंट्स इन मेसनरी वॉल। अब जो ब्रिक मेसनरी होती है इसको हर जगह ब्रिक मेसनरी लिखना चाहिए, वो ब्रिक मेसनरी जब आपके सरकारी में आएगा तो ब्रिक मेसनरी लिखा हुआ बकाया रहेगा। तो ब्रिक मेसनरी में भी एक्सपेंशन गैप दिया था, इसमें कितने कितने डिस्टेंस पे दिया था। देखो ब्रिक मेसनरी वर्टिकल भी होती है, कोई दीवार है तो उसकी हाइट भी है और उसकी लेंथ भी है। तो इसने पूछा हुआ है देखो कोई भी दीवार है तो उस दीवार की लेंथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो याद रखना जनरली जो आपके एक्सपेंशन गैप होते हैं, अगर मैं हाइट की बात करूं तो हम जनरली 7.6 मीटर पर देते हैं। 7.6 मीटर की दीवार है एक्सपेंशन गैप दे दो, फिर 7.6 मीटर की दीवार है एक्सपेंशन गैप दे दो, हाइट के जनरली 7.6 मीटर। बट आपकी लेंथ के लिए ये होती है आपकी 40 मीटर, लेंथ ये होती है आपकी 40 मीटर। तो लेंथ के लिए आपकी क्या होगी, आपकी 40 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, एक्सपेंशन जॉइंट इन मेसनरी वॉल्स, ब्रिक मेसनरी वॉल्स इसको लिखना चाहिए था, आर प्रोवाइडेड इन द वॉल लेंथ मोर देन, अगर किसी दीवार की लेंथ आपकी 40 मीटर से ज्यादा है तो आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है आपका 40 मीटर। इन चीजों को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चंस करना जरूरी है, बिना क्वेश्चंस के सिलेक्शन नहीं होता है। आप कितना भी डिटेल पढ़ लो, अगर जब तक आपका टीचर आपको इतने सारे क्वेश्चन नहीं कराएगा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, द नॉमिनल थिकनेस ऑफ एन एक्सपेंशन जॉइंट। अब हाँ, ये जो एक्सपेंशन जॉइंट, ये जो आपका एक्सपेंशन गैप होता है ना, ये एक्सपेंशन गैप जनरली 20 एमएम का दिया जाता है। कितने का दिया जाता है, 20 एमएम का। तो उसने पूछा है कि जो एक्सपेंशन जॉइंट या गैप आप दे रहे हो, एक्सपेंशन जॉइंट या गैप आप दे रहे हो, इसकी थिकनेस कितनी होती है आपकी, 20 एमएम। तो यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, इन क्वेश्चन को आपको सरकारी में ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं। क्या पता आप अपने स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, जेई का दे रहे हो, एई का दे रहे हो, कहीं पर भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। द क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग मोटर जॉइंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग, मेरे को देखो इसका पिक है मेरे पास, है बहुत बढ़िया, आ जाओ। द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग मोटर जॉइंट्स, देखो ध्यान से देखना, हड़बड़ी नहीं करनी हमको। The operation of finishing mortar joints after completion of a masonry wall is called, नहीं आया क्वेश्चन समझ में, कोई बात नहीं। आप मैसनरी वॉल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, पहले एक कोर्स बना रहे हो, ब्रिक को किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, मोर्टार से। भाई एक ब्रिक, जैसे मान लो ये वर्टिकल जॉइंट्स है, एक ब्रिक के साथ आपने एक ब्रिक रखी इस तरीके से, ये एक ब्रिक ये रही और एक ब्रिक आपकी ये रही, तो इनके बीच का गैप हम किससे फिल करेंगे, मोर्टार से। अब इसके ऊपर मुझे एक लेयर और बनानी है, भाई वॉल की हाइट तो ज्यादा होती है, मान लो 3 मीटर 4 मीटर, तो हम क्या करेंगे, एक कोर्स पहले एक हॉरिजॉन्टल लेयर जिसको हम कोर्स बोलते हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे,
उसके बाद हम दूसरी लेयर बनाएंगे, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर पांचवी लेयर। तो होता क्या है कि जब आप ब्रिक मेसनरी, मान लो आपकी दीवार कंप्लीट हो गई है, तो जब दीवार कंप्लीट हो जाती है आपकी, तो उसके बाद देखो इस पे को ध्यान से, तो वॉल जब आपने कंस्ट्रक्ट कर दी तो ये जगह आपकी बच जाती है। अब क्या होता है, इस जगह को हम फिल करते हैं, बाहर से मोर्टार की लेयर लगाते हैं। ध्यान से देखना, ये आपने दीवार कंस्ट्रक्ट कर दी थी, ये आपकी यहां से जगह बच गई थी, देखो ये जगह बची हुई है आपकी, ये जगह बची हुई है, ये जगह बची हुई है। तो हम क्या करते हैं, बाहर से मोर्टार की लेयर में लगा देते हैं। देखो ध्यान से, ये मोर्टार की लेयर आपके लग गई, आपसे पहले खाली था, फिर हमने मोर्टार की लेयर लगाने से चालू करी इस तरीके से। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉइंटिंग, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग, POINTING, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉइंटिंग। और इसमें आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा है, ध्यान से देखना आप लोग, क्या पूछा है इसमें, द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग मोटर जॉइंट्स, जो मोटर जॉइंट्स थे उसको आप फिनिशिंग प्रोवाइड कर रहे, जो मोटर जॉइंट्स थे आपने जगह देखा था उसमें हम फिनिशिंग प्रोवाइड कर रहे थे, बाहर से अलग से मोटर का लेयर लगा रहे थे, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉइंटिंग। ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ जाता है। ठीक है, द ब्रिक अरेंज सिस्टमेटिकली एंड बेडेड टू मोर्टार फॉर्म होमोजेनियस मास कंपोनेंट ब्रिक मेसनरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में ध्यान रखो आप लोग, फिनिशिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्रिक की दीवार खड़ी करते हैं, उसके बाद हम फिनिशिंग के लिए जो गैप्स होते हैं, जो ब्रिक के बीच में जो जॉइंट है उसके ऊपर फिर मोर्टार की लेयर लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका पॉइंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, द ब्रिक अरेंजमेंट सिस्टमेटिकली एंड बेडेड टूगेदर टू फॉर्म मोर्टार ब्रिक, ब्रिक मेसनरी अरेंज सिस्टमेटिकली एंड बेडेड टूगेदर मोर्टार टू फॉर्म होमोजीनियस मास कैपेबल विथस्टैंड ब्रिक मेसनरी। जब बोला कि ब्रिक को यूज करके हम उसमें मोर्टार यूज करके उसको एक मास की तरह, मतलब एक दीवार बन, एक असेंबली की तरफ बिहेव करता है, तो इसका आंसर ब्रिक मेसनरी है। देखो इसने इंग्लिश बॉन्ड दे रखा है, बॉन्ड के बारे में इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसने सिंपल सी चीज बोली है कि ध्यान से देखो, चलो मैं बता देता हूं, द ब्रिक अरेंज्ड सिस्टमेटिकली मतलब सीक्वेंस में एंड बेडेड टूगेदर इन अ मोर्टार, मतलब मोर्टार के साथ आप उसको ज्वाइन करते हो टू फॉर्म अ होमोजीनियस मास, होमोजीनियस मास जो एक एक मेंबर की तरह बिहेव करे। तो जब हम दीवार खड़ी कर देते हैं तो वो पूरा एक मेंबर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, ये एक पोर्शन की तरह बिहेव करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ब्रिक मेसनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द ड्राई ब्रिक्स आर रिकमेंडेड इन ब्रिक मेसनरी। अच्छा क्वेश्चन है, कितना भी पढ़ लो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ड्राई ब्रिक्स, देखो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ब्रिक मेसनरी में, जब मैं आपको ब्रिक्स पढ़ा रहा था ये टॉपिक मैंने आपसे तब डिस्कस करा था, जब हम ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ब्रिक्स को हम पहले पानी में डुबोकर रखते हैं, फिर हम ब्रिक्स, आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आपके साइट पर कंस्ट्रक्शन होता है तो उस कंस्ट्रक्शन में ब्रिक्स को यूज करने से पहले उसके ऊपर पानी का छिड़काव करा जाता है। वो पानी का छिड़काव क्यों करा जाता है, क्योंकि ब्रिक्स को जो आप ज्वाइन करोगे वो मोर्टार से ज्वाइन करोगे, ब्रिक्स को जो आप ज्वाइन करोगे वो आप मोर्टार से ज्वाइन करोगे। अब मोर्टार के अंदर भी तो पानी होता है, तो इन केस अगर हमने ब्रिक्स को पानी में नहीं डुबोया और मोर्टार यूज कर लिया, कौन सा मोर्टार, लाइम मोर्टार या सीमेंट मोर्टार, तो ब्रिक्स अगर ड्राई है, ब्रिक्स अगर ड्राई है तो वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेगी, इसलिए ब्रिक्स को पहले गीला करा जाता है ताकि मोर्टार का जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो अफेक्ट ना हो, वाटर का पानी का रेशियो सूख जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ब्रिक्स को गीला करा जाता है। बट से पूछा है कि ड्राई ब्रिक्स, अब आपको ब्रिक्स को गीला नहीं करना है, आपको ब्रिक्स को गीला नहीं करना है। ड्राई ब्रिक्स आर रिकमेंडेड इन द ब्रिक मेसनरी, इसे बोला कि ऐसे ब्रिक मेसनरी का नाम मुझे बताओ जहां पर आपको ब्रिक्स को गीला करने की जरूरत नहीं है, आप सूखी ब्रिक्स को भी यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि मोर्टार अलग अलग टाइप का होता है, लाइम मोर्टार, जिप्सम मोर्टार, सुर्खी मोर्टार, सीमेंट मोर्टार एंड मड मोर्टार। हम ब्रिक्स मेसनरी को मड के साथ, कीचड़ जो होता है मड के साथ भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो मड में ऑलरेडी बहुत वाटर होता है, तो हमें अगर मैं मड मोर्टार यूज कर रहा हूं, अगर मैं मड मोर्टार यूज कर रहा हूं तो मुझको ब्रिक्स को गीला करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर है आपका मड मोर्टार। भैया चीजें ध्यान रखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। थैंक यू, तो आप बोलते नहीं हो कि सर ऐसे क्वेश्चन करा रहे हो, पर ठीक है चलो जैसा भी है चल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल यूज बाय अ मेसन, मेसन मतलब जो कंस्ट्रक्शन करता है ब्रिक्स को, मेसनरी करता है, ब्रिक की मेसनरी करता है, ब्रिक्स मेसनरी करता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल यूज बाय अ मेसन इन लेइंग ऑफ ब्रिक्स, जब वो ब्रिक्स को बिछाता है
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, ऐसा लिखवा ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल यूज बाय मेसन इन लेइंग ऑफ ब्रिक्स व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल। सबसे देखो क्या होता है, जब वो ब्रिक मेसनरी कंस्ट्रक्ट करता है तो उसके हाथ में एक चीज होती है, अब हमारे राजस्थान में तो उसको छेनी बोलते हैं, ठीक है। जब वो ब्रिक मेसनरी करेगा तो मोर्टार को लाई करके उसको प्रेस करेगा, फिर ब्रिक को ठोकता भी हुए ताकि अपनी शेप में आ जाए, उसके पास एक हाथ में टूल होता है, आपने देखा होगा उसको, मेरे राजस्थान में तो छेनी बोलते हैं बट इंग्लिश में उसको ट्रावल बोलते हैं, देखा है, इंग्लिश में उसको ट्रावल बोलते हैं। तो ब्रिक मेसनरी में सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो होता है, टूल तो बहुत सारे होते हैं, अब प्लम्ब लाइन है, प्लम्ब बॉब है, प्लम्ब बॉब भी आपका टूल है, बट इंपॉर्टेंट टूल अगर पूछा जाए इन द लेइंग ऑफ ब्रिक्स तो वो कौन सा होता है, आपका ट्रावल होता है। तो याद रखना है क्वेश्चन आपका, जनरली मैं लिख देता हूं यहां पर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल यूज बाय द मेसन इन लेइंग ऑफ ब्रिक्स व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल इज नोन एज ट्रावल, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ गई बात, ज्यादा टाइम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉग्स, पहली बात तो ये भाई ने स्पेलिंग गलत लिखी है, ये आएगा यहां पर फ्रॉग्स, F R O G, ठीक है, स्पेलिंग से कर देना। फ्रॉग्स मेड इन द ब्रिक, फ्रॉग्स जो ब्रिक्स के अंदर होते हैं वो क्यों होते हैं, दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक तो कंपनी का नाम दर्शाते हैं कि कौन सा मैन्युफैक्चरर है, दूसरा वो एज अ शीयर की ट्रीट करते हैं, मतलब शीयर की का मतलब क्या होता है कंस्ट्रक्शन में। देखो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, मैं एक और बार बता देता हूं, कोई भी कंस्ट्रक्शन जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे मान लो आज मैंने अपने कंस्ट्रक्शन रोक दिया, कंस्ट्रक्शन एक दिन में तो होता नहीं है, 3-4 दिन भी चलता है, 2 दिन भी चलता है, तो क्या होता है कि जैसे मान लो कॉलम है, आप कॉलम में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कॉलम में सबसे पहले स्टार्टर बनाया जाता है, स्टार्टर मतलब छोटा सा पोर्शन, कॉलम में आपको क्या करना है, फॉर्मवर्क लगाना है, कॉलम का फॉर्मवर्क होगा शटर होगा उसका, तो कॉलम को जब आप शटर बनाते हो तो सबसे पहले शटर आप लगाओ, जमीन पे तो खड़ा करोगे नहीं, तो कॉलम को हम छोटा सा पोर्शन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टार्टर, और उस स्टार्टर पर हम फॉर्मवर्क को फिक्स कर देते हैं। तो जब आपने स्टार्टर बनाया, आपने 3-4 दिन तक उसकी स्ट्रेंथ गेन करने दी, उस स्टार्टर में जब मैं स्टार्टर का एग्जीक्यूशन कर रहा हूंगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्क्रीट पोर कर रहा हूंगा, तो स्टार्टर में मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो आपका स्टार्टर है तो हम क्या करते हैं उसमें दो निशान बनाते हैं इस तरीके से, जैसे मान लो आपने पाइप रख दिया, कुछ देसी लोग लकड़ी भी रख देते हैं, पाइप रख दिया लकड़ी, फिर क्या करते हैं 3-4 दिन बाद पाइप को निकाले आता है, पाइप निकाले आता है, इसमें क्रॉस सिंबल बन जाता है, ये क्रॉस सिंबल क्यों होता है, क्योंकि आपने स्टार्टर बनाया था 4-5 दिन पहले, अब आप उसमें नया कॉन्क्रीट पोर कर रहे हो तो आपको उसमें बॉन्डिंग देनी पड़ेगी, तो बॉन्डिंग देने के लिए आपको एक जो बॉन्डिंग देने के लिए तो कॉन्क्रीट जो पहले कॉन्क्रीट आप पोर कर चुके हो जो हार्ड हो चुका है उसके अंदर जगह होनी चाहिए, इस तरीके से लॉकिंग होनी चाहिए, आप समझ रहे हो, बहुत बार डिस्कस कर चुका चीज हमें, दैट मीन्स फ्रॉग्स शियर की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है टू फॉर्म अ की फॉर होल्डिंग द मोर्टार, सिंपल सा आंसर है कि भाई अगर फ्रॉग्स नहीं होंगे तो ब्रिक मोर्टार को होल्ड कैसे करेगी। आप जनरली शियर की के बारे में याद है ना, कभी भी इंटरव्यू देने जाओगे और बोल दिया कि कंस्ट्रक्शन कराया है तो मे बी वो आपसे शियर की के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। द ब्रिक्स हैविंग वन और टू राउंडेड, अब देखो द ब्रिक्स हैविंग वन और टू एजेस राउंडेड, अब इसमें स्पेशली राउंडेड बोल दिया, द ब्रिक्स हैविंग वन और टू एजेस राउंडेड, कौन से ब्रिक में एजेस राउंडेड होती है आपकी, बुल नोज में, तो मुझे इसमें ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है नहीं, बुल नोज ब्रिक में देखो स्पेशल नहीं पूछा, इसने साफ साफ बोल दिया कि राउंडेड ब्रिक कौन सी होती है आपकी, तो आप बोलोगे जो राउंडेड ब्रिक मेरी होती है वो आपकी बुल नोज ब्रिक होती है, ठीक है, ठीक है। द कॉर्नर और द एक्सटर्नल एंगल ऑन द फेस साइड ऑफ वॉल कॉइन, जो कॉर्नर होता है उसका एक्सटर्नल एंगल क्या होता है आपका, कॉइन, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कॉइन देकर रखा हुआ है, ठीक है, देखे रखा है, बहुत बार डिस्कस कर ली। अब ब्रिक मेसनरी कैन फेल ड्यू टू, ब्रिक मेसनरी किस किस चीज से फेल हो सकती है, क्रशिंग से हो सकती है, शियरिंग से हो सकती है, मैंने आपको शियर वॉल भी बताई थी कल कि शियर वॉल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की जनरली शियर वॉल बनाई जाती है, तो ब्रिक मेसनरी कैन फेल ड्यू टू क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग शियरिंग ऑल ऑफ एनी ऑफ द अबव, इजीली क्वेश्चन नहीं है, तीनों के कारण आपकी क्रशिंग के कारण भी ब्रिक मेसनरी आपकी डैमेज हो सकती है, शियर फोर्सेस के कारण भी हो सकती है, और रप्चर अलोंग जो जॉइंट्स होते हैं उसमें डैमेज हो सकती है, इजी क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव, अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच ऑल द फोर्सेस आर लेड एज स्ट्रेचर, सारे फोर्सेस स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर बॉन्ड,
A type of bonding in which all courses are laid as stretchers. कौन सी बॉन्ड में आपके सारे स्ट्रेचर्स यूज होते हैं? स्ट्रेचर बॉन्ड में, ठीक है। द एंड ऑफ ए ब्रिक, इसी क्वेश्चन में टिक करते हैं, फायदा नहीं है, डिस्कस कर चुके हैं। द एंड ऑफ ए ब्रिक एज सीन इन द वॉल फेस, इसने बोला है कि एक ऐसी दीवार है जिसमें आपको ब्रिक का 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर का फेस दिख रहा है, जिसमें आपको दीवार का 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर का फेस दिख रहा है, ठीक है भाई। तो 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर जिस दीवार में आपको दिखेगा, जिस वॉल में दिखेगा, उसको हम बोलेंगे हेडर बॉन्ड या हेडिंग बॉन्ड, हेडर या हेडिंग। तो सिंपल सा आंसर इसका क्या है? हेडर, ठीक है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, फेस ऑफ वॉल लेंथ वाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। व्हेन लेंथ वाइज ब्रिक इज लेड पैरेलल टू द फेस ऑफ वॉल, अब यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, करा देता हूं मैं सुनो। When lengthwise brick is laid parallel to face of wall is known as, भाई lengthwise brick, ये length है brick की, is laid parallel, ये face, ये दीवार है, तो जब मैं length को parallel रखूंगा तो ये कौन सा bond बनता है आपका? देखो ये है question easy, बट थोड़ा घुमा के दिया है। जब हम brick को lengthwise रखते हैं, इस तरीके से रखा, इस तरीके से रखा, इस तरीके से रखा, इस तरीके से दिखा, तो कौन सा face दिखता है आपको? Long and narrow face। तो कौन सा फेस दिखता है आपको? लॉन्ग एंड नैरो फेस। इसने बोला ना कि ब्रिक की लेंथ को वॉल के फेस से हमें पैरेलल रखना है, ब्रिक की लेंथ को वॉल के फेस से हमें पैरेलल रखना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर आपका? ये कौन सा बॉन्ड आ जाता है आपका? स्ट्रेचर बॉन्ड। तो स्ट्रेचर से देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। अ जॉइंट इन द मेसनरी पैरेलल टू द फेस ऑफ वॉल इज नोन एज, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अ जॉइंट इन द मेसनरी parallel to the face of wall is known as a joint in the masonry parallel to the face of wall, भाई ये दीवार है, ये दीवार आपको दिखनी है। अब मुझे इस पे 90 डिग्री पे एक दीवार लेके आनी है, ये दीवार बनी हुई है, ये दीवार आपकी बनी हुई है, अब मुझे यहां से 90 डिग्री पर वॉल लेके आनी है, तो इनके बीच का जो जॉइंट होता है, भाई एक दीवार बनी हुई है, मुझे 90 डिग्री पे एक दीवार लेके जानी है, तो एक दीवार तो ये बोर्ड मान लो आप, और एक 90 डिग्री पे इस तरीके से निकलेगी, तो इनके बीच में जो जॉइंट होगा ना भाइयों, जो इनके बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं वॉल जॉइंट। ऐसे क्वेश्चन आप कितना भी डिटेल पढ़ लो, कितनी चीजें पढ़ लो, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये टर्म्स बुक्स में मेंशन नहीं है ज्यादा, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, दिक्कत यही है। तो एग्जाम को थोड़ा तरीके से समझना स्टार्ट करो भाई, ये दीवार बनी हुई है, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, दीवार है, अब यहां पर 90 डिग्री पे लेके आऊंगा तो इनके बीच में जॉइंट तो मुझे देना पड़ेगा ना, तो ये जो जॉइंट होगा आपका, इसको हम बोलते हैं वॉल जॉइंट। सिंपल सा आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया, इस आंसर थोड़ा रेस्ट लूंगा पानी के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एन ऑर्नामेंटल मोल्डेड कोर्स प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ वॉल इज नोन एज, क्वेश्चन को बाहर में आते नहीं समझ में आया ना क्वेश्चन, ध्यान से देखना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, उसको अभी छोड़ दो, ये क्या है? आपके घरों के अंदर होता है नहीं है? ये क्या है? ये क्या है? आप ये बताओ, आपने देखा होगा कि घर के अंदर जो वॉल का टॉप होता है ना, हम घर की वॉल्स को सुंदर दिखाने के लिए ये चीज उसमें फिक्स करते हैं, जो कि बना हुआ था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये क्या होता है? ऑर्नामेंटल मोल्ड, सुंदरता के लिए ऑर्नामेंटल मोल्ड होता है ना घर के अंदर ऐसा, या फिर आपने कोई ब्रिक वर्क करा उसके ऊपर इस तरीके से मोल्ड्स, ये अलग जगह बनाए जाते हैं और लाकर इनको फिक्स कर दिया जाता है, आपने कहा व्हाइट सीमेंट भी यूज कराया जाता है इसके साथ, तो ये जितनी भी सुंदरता की आपने जनरली ये जो मोल्ड्स, मोल्ड्स मतलब जो एक शेप में ढले हुए हैं, इसको क्या बोला जाता है? दीवार के ऊपर जो ऑर्नामेंटल मोल्ड आपने लगाया सुंदरता के लिए, इसको बोला जाता है कॉर्निस या कॉर्नाइस, इसको क्या बोला जाता है? कॉर्निस और कॉर्नाइस, क्वेश्चन का आता है, आ जाओ क्वेश्चन का आता है। एन ऑर्नामेंटल मोल्डेड कोर्स प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द वॉल इज, अब देखो अगर ये पिक्स में आपको नहीं दिखाता ना, तो यहां पे दीवार में चीज बैठ ही नहीं सकती, आप 100% भूल जाओगे कॉर्नाइस क्या है, कोपिंग क्या है, कॉर्बेल क्या है, क्या बोला मैंने? कॉर्निस, इन तीन चीजों में कंफ्यूज होंगे आप, कॉर्निस, कॉर्बेल
कोपिंग, तीनों से क्वेश्चन आते हैं, कॉर्निस, कॉर्वेल एंड कोपिंग, तीनों से क्वेश्चन है भाई। बड़ा तो गया तो बड़ा बड़ा।